दोस्तों नॉमिनेशंस लिस्ट मैंने बता दिया है पहले वीडियो में कौन कौन था। अरुण अभिषेक समर्थ मुनावर आयशा औरा। तो अरुण का पत्ता कटने वाला है दोस्तों। जी हाँ, अरुण इविक्ट होने वाले हैं और औरा भी। अरुण और औरा में से कोई जाएगा इस बार दोस्तों। और अगर डबल इविक्शन होता है, क्योंकि अब तो सलमान सर ने बोला था अगले मतलब आते आते सब डबल डबल होने वाला है, सब डबल ट्रिपल होने वाला है। तो डबल इविक्शन होगा शायद इस बार भी, औरा और अरुण का पत्ता कटने वाला है। और या फिर समर्थ, क्योंकि याद है मुनावर ने बोला था तुझे मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला, तुझे ही मैं टनल तक छोड़ के आऊँगा लाला, याद है ना। समर्थ भी हो सकता है ना। तो ये वीडियो याद रखिएगा जब इविक्शन होगा। मैंने बोल दिया पहले ही, अरुण औरा समर्थ इन तीनों में से कोई जाएगा। मुझे लगा अरुण ही जाएगा, समर्थ नहीं जाएगा। समर्थ कलर्स फेस है ना, वो कलर्स फेस है। वो कलर्स फेस को वो लोग नहीं जाने देंगे इतना आसानी से। कलर्स फेस को ज़्यादा फेवर किया जाता है। देखिए जितने लोग नॉमिनेटेड नहीं है अभी, वो सब कलर्स फेस है। देख लीजिए आप, मनारा बहुत बड़ी है, वो हीरोइन है ना टॉलीवुड की। मनारा तो हैदराबाद की है ना। अगर मनारा आज कैप्टन होती तो क्या वो नॉमिनेटेड होती? आपको क्या लगता है, होती वो? मुझे नहीं लगता वो होती नॉमिनेटेड आज। इसीलिए बिग बॉस ने नॉमिनेशंस रोक दिया है एकदम, जब अरुण तक आ चुका था बात, है ना। तो यही तो गेम है, खेला यही है दोस्तों, खेला यही है। औरा ने अभिषेक को किया, अभिषेक ने समर्थ को किया, समर्थ ने मुनावर को किया, मुनावर ने अरुण को किया, फिर बिग बॉस ने बोल दिया रोक दो, नॉमिनेशंस हो चुका है, नॉमिनेशंस खामोश। इसका मतलब सिंपल है, बिग बॉस नहीं चाहते अरुण औरा और समर्थ ये तीनों आगे जाए। समर्थ अगर आगे ना भी जाएगा ना, तो फिनाले में आउट हो जाएगा आराम से, याद रखिएगा। समर्थ टॉप फाइव में नहीं आएगा, टॉप फाइव में होगा मुनावर, अंकिता, अभिषेक, मनारा। आई थिंक विकी जा सकता है टॉप फाइव में, कुछ भी हो सकता है, देख लीजिएगा। ईशा भी है, ईशा भी जा सकती है, वो तो अगले हफ्ते पता चलेगा ना। अभी इस हफ्ते के लिए अरुण और औरा का चैप्टर कटने वाला है, गेम ख़त्म। अरुण ने मेरे हिसाब से मैं बोलता हूँ, आप लोगों को पता नहीं जो भी देखा होगा, मेरे हिसाब से अरुण ने कोई गेम नहीं खेला है घर में, बस उसको बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। अनुराग ने भी कोई गेम नहीं खेला है घर में, औरा ने भी कोई अच्छा खास गेम नहीं खेला है घर में, और जो लोग बोलते हैं मुनावर ने कोई गेम नहीं खेला है घर में, तो वो आप बिग बॉस गेम्स फिर समझ नहीं रहे हो, है ना। मुनावर ने गेम खेला है, बहुत कुछ खेला है, जो उनको पता है उनको पता है, मुझे पता है उसने क्या खेला है। बहुत बड़ा गेम खेल लिया उसने और वो फिनाले में जा रहा है, बहुत गेम खेला उसने, है ना। वो सबको नहीं पता होता है, तो समझदार लोगों को इशारा ही काफ़ी है क्या क्या गेम खेला उसने। आयशा तो नहीं जाएगी, आयशा लास्ट में जाएगी, अभी नहीं जाएगी वो, अभी और दो तीन हफ्ते है तो वो जाएगी बाद में। अभी के लिए अरुण और उसको निकाल देंगे, अरुण औरा को, है ना। अरुण औरा, कुछ लोग बोलते हैं अनुराग ने भी कुछ गेम नहीं खेला, उसने स्टैंड नहीं लिया घर में किसी के लिए आज तक, सिर्फ ब्रोसेना करता गया वो, उसने किसी के लिए स्टैंड नहीं लेता, लेता तो अच्छा होता। अनुराग के फैंस को बुरा लगे फिर भी। और अगर आप मुझे पूछते हैं कि कौन विनर बनेगा, मैं अगर बोलूँ, अगर मैं दो तरीके से बोलूँगा आपको, दिमाग से और दिल से। अगर मैं आपको बोलूँ दिल से कौन विनर है, मैं बोलता हूँ मेरे दिल से तो मुनावर, अगर मेरे दिमाग से कौन विनर है मैं बोलूँ ना तो अंकिता। अब समझ जाइए कौन विनर है फिर, है ना, वो देखा जाएगा फिनाले में ही। किसी को फैंस को बुरा लगे तो सॉरी, बट